हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो तुम लोग देख सकते हो कि जो अगले हफ्ते का टाइटन पुल है वो अपडेट होने वाला है एंड उसके अंदर हमें नए चैंपियंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है यार, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई गिव अवे कब करोगे, सिर्फ सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए गिव अवे का नाम ले रहे थे। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि भाई 4000 सब्सक्राइबर्स वाला जो गिव अवे है वो आज अनाउंस करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अब भाई मैंने जिसपे सबसे ज्यादा कॉमेंट्स थे वो वाला वीडियो सेलेक्ट कर लिया हूँ। एंड ठीक है, अगर तुम्हें अभी इस वीडियो में पार्टिसिपेट करना है तो कॉमेंट कर दो गिव अवे एक एंड हार्ट इमोजी लगा देना। देखो बहुत सारे वीडियोस में थे लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा 94 ही इस बार, पिछले बार जो थे ना भाई वो 200 या 300 थे। इस बार तुम लोग अगर कमेंट करोगे ना 200-300 कमेंट और अगर 150 से 200 लाइक कर दिए तो भाई मजा ही आ जाएगी। एंड ये गिव अवे अब होगा 5000 सब्सक्राइबर्स पे। अगर तुम लोगों ने 2025 से पहले मुझे 5000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचा दिए भाई तो मैं तुम्हें बैंक्वेट इवेंट के टाइम ही इतना बड़ा गिव अवे दूंगा ना कि तुम लोगों ने सोची भी ना होगी। तो ठीक है, अब इसको करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। 10 सेकंड में अभी तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कौन जीता है। तो ठीक है ब्रो, ओके जितेश ब्रो जीत चुके हैं हमारा गिव अवे, जिसको एक मैं देने वाला हूं यहां पर। जो अभी डबल ट्रैक इवेंट चल रहा है वो गिव अवे करने वाला हूं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वहां तुम्हें 100% रिप्लाई दूंगा। एंड भाई जल्दी से जल्दी करना क्योंकि तुम्हारे नाम से कोई और जरूर मुझे मैसेज कर देगा इससे पहले कि तुम मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों की लिंक मिल जाएगी, लाइन आईडी की भी और इंस्टाग्राम की भी। तो ठीक है, अगर तुम्हें भी जीतना ऐसे ही यहां पे गिव अवे तो कमेंट कर दो, 200 लाइक कर दो इस वीडियो पे एंड भाई कमेंट कर दो गिव अवे एक एंड हार्ट इमोजी लगा देना। एंड नेक्स्ट गिव अवे होगा 5000 सब्सक्राइबर्स पे। अभी मैं 4100 सब्सक्राइबर वाला गिव अवे भी करूंगा जो 4100 सब्सक्राइबर्स पे मैंने तुम्हें बोला था। ठीक है, तो अगर तुम लोगों ने करवा दिए तो भाई मजा ही आ जाएगी 5000 सब्सक्राइबर 2025 से पहले। एंड मैं बहुत जल्दी तुम्हें यहां पे 4100 सब्सक्राइबर वाला जो गिव अवे वो भी अनाउंस करके बता दूंगा। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, यहां पर मेडुसा इज 7 स्टार, फाइनली भाई गेम ने यहां पर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है 7 स्टार चैंपियन, बहुत सही किया है। एंड काउंट नफेरिया पर्गटरी, ठीक है ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट चैंपियन है। अगर तुमने पर्गटरी बफ चैंपियन वाला वीडियो नहीं देखे हो मेरा, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे बताया हूँ कि अगर तुम्हें सर्फेंट को पर्गटरी से मारना है तो तुमको कैसी सिनर्जी वगैरह और क्या रिलिक लगाना है, तो तुम लोग आई बटन पे जाके वो वीडियो को देख सकते हो। एंड अब बात कर लेते हैं एनचांट्रेस, एक वन ऑफ द बेस्ट चैंपियन है और शार्ट्रा भी बहुत अच्छी चैंपियन है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो अक्टूबर 14 की जो टाइटन पुल है वो वन ऑफ द बेस्ट है क्योंकि भाई इसके अंदर प्रॉलर है, इसके अंदर नेगासोनिक है। बस तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब अच्छे चैंपियन है एक इसको छोड़ के। सिल्वर सेबल भी आई गेस इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है एक मिड टायर चैंपियन मैं इसको मानता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे नेगासोनिक बहुत अच्छी है, सिम्बियोट सुप्रीम बहुत अच्छा है, साइबर पंक अभी बफ होने वाला है तो आई गेस ये भी अच्छा है। प्रॉलर तो वन ऑफ द बेस्ट है, नोवा भी वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स में से है और सुपीरियर आयरनमैन भी बहुत अच्छा है और द लीडर भी अच्छा है, आर्केड भी एक वन ऑफ द बेस्ट चैंपियन है अगर देखा जाए तो। ठीक है, मतलब बहुत बेकार भी नहीं बहुत अच्छा भी नहीं, ठीक है एक आर्केड एक वन ऑफ द बेस्ट चैंपियन है, हुड भी एक वन ऑफ द बेस्ट चैंपियन है और नॉर्थ स्टार भी बहुत अच्छा है। तो आई गेस जो 14 अक्टूबर की टाइटन क्रिस्टल पुल होने वाली है वो वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है, लेकिन भाई मेडुसा 7 स्टार आ गई है गेम के अंदर। मेरे ख्याल से ये एक रेट्रो चैंपियन है जो सबसे पहले 7 स्टार में अवेलेबल हुई है, लाइक हाइपीरियन मैजिक के तो अभी तक इन लोगों ने 6 स्टार में भी नहीं डाले हैं भाई, क्यों मैजिक को लेके आओ एज अ 6 स्टार या 7 स्टार भाई मेरे को चाहिए। एंड इसकी बात कर ले तो अगर मैं खोलता नहीं क्रिस्टल तो सिर्फ एनचांट्रेस या फिर मेडुसा के लिए, ये दोनों में से किसी एक के लिए खोलता। मुझे शार्ट्रा इतनी नहीं पसंद, मुझे काउंट नेफेरिया इतना नहीं पसंद और मुझे बीटा रे बिल तो मेरे पास है तो मैं बीटा रे बिल के लिए तो खोलता ही नहीं, लेकिन अगर मैं टाइटन क्रिस्टल खोलूंगा तो सिर्फ मेडुसा के लिए और एनचांट्रेस के लिए क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन है। एंड भाई यहाँ पे पर्गटरी भी बहुत अच्छी ऑप्शन है क्योंकि बफ होने के बाद जो उसका डैमेज आउटपुट है वो बहुत ज्यादा तगड़ा हो गया। ठीक है, तो पर्गटरी भी एक वन ऑफ द बेस्ट चैंपियन है। अगर इसके अंदर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे चैंपियंस हैं जिन लोगों के लिए तुम एंड इसकी एग्जिट डेट भी तुम देख सकते हो, आई गेस ये एग्जिट्स हैं, तो ये एग्जिट हो जाएगी 24 दिसंबर, एग्जिट फेब 25 अप्रैल 2025। तो ठीक है, ये चैंपियंस काफी टाइम तक आई गेस टाइटन में रहने वाले हैं, तो तुम लोग देख सकते हो कि ये एग्जिट होंगे अप्रैल 2025 में, तो आई गेस यही है। तो तुम लोगों को ये टाइटन क्रिस्टल पुल कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना एंड मैं तुम लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।